हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं विवेक कुमार, यूवी कॉम्पिटिशंस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, रोज़ाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ डेली करंट अफेयर्स जी के, जो कि आपका इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज में अपडेट्स है। मेरे प्यारे साथियों, आज 12 अक्टूबर 2019 वार शनिवार की हम बात करते हैं। साथियों, डेली करंट अफेयर्स के लिए यदि आपने हमारा चैनल यूवी कॉम्पिटिशंस सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूवी कॉम्पिटिशन चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे द्वारा दिए गए अपडेट्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यह करंट अफेयर्स आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, मैं अनअकैडमी ऐप पर एजुकेटर हूँ, तो मेरे द्वारा अनअकैडमी ऐप पर राजस्थान जीके और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए अनअकैडमी ऐप पर मुझे फॉलो करें। अनअकैडमी ऐप पर फॉलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए साथियों, शुरू करते हैं आज के वन लाइनर क्वेश्चंस, जो कि आपकी करंट अफेयर्स है। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, वेयर हैज सारस आजीविका मेला बिगन एट इंडिया। सारस आजीविका मेला भारत में कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो न्यू दिल्ली गेट लॉन्स, नई दिल्ली के गेट लॉन्स में। यह जो मेला है वह मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर द इनिशिएटिव ऑफ द दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के तहत आयोजित किया गया है। और इसका एम जो है, एम की बात, उद्देश्य जो था वो क्या है? उद्देश्य है जो रूरल यानी कि ग्रामीण महिलाओं को सपोर्ट प्रदान करने के लिए, जिससे वह अपनी स्किल्स, अपने प्रोडक्ट्स को बेच सके और बल्क बायर्स जो होते हैं उनके कॉन्टैक्ट में रह सके। नेक्स्ट, हु हैज बीन लॉन्च्ड द सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में सुरक्षित मातृत्व आश्वासन किसने लॉन्च किया? तो वह लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। नेक्स्ट, जो नेक्स्ट बात की जाए, थर्ड क्वेश्चन जो है, हाउ मच फोरकास्टेड द इंडियाज जीडीपी फॉर फाइनेंशियल ईयर 2019-20 बाय द रेटिंग एजेंसी मूडीज। रेटिंग एजेंसी मूडी ने इंडिया की जीडीपी ग्रॉस डेवलपमेंट जीडीपी जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए कितनी बताई है, उसकी रेटिंग कितनी दी है? तो 5.8%, जो कि पहले 6.2% थी, अब घटकर 5.8% हो गई है। नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बाय द यस बैंक लिमिटेड। यस बैंक लिमिटेड ने किसे अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है? तो अनिता पाई को। नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ नोबल पीस प्राइज 2019। इस समय नोबल के पुरस्कार दिए जा रहे हैं, नोबल पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं, तो उनमें पीस यानी कि शांति का जो नोबल पीस नोबल प्राइज है वो किसे मिला है? तो इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर अबिये अहमद अली को। इथियोपियन प्राइम मिनिस्टर अबिये अहमद अली को नोबल पीस प्राइज 2019 मिला है। और इन्हें ये पुरस्कार एफर्ट टू अचीव पीस एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड ए पर्टिकुलर फॉर हिज डिसीजन सीव इनिशिएटिव टू रिजॉल्व द बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट विद नेबरिंग इरिटिका के रेस्पेक्ट में मिला है। नेक्स्ट, हु इज द विनर ऑफ नोबल प्राइज 2019 इन लिटरेचर। 2019 का लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज किसे मिला है? तो ऑस्ट्रेलियन ऑथर पीटर हैंडके को। नेक्स्ट, विच स्टेट विल बी होस्ट द स्टेट पावर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस। कौन सा स्टेट राज्य ऊर्जा मिनिस्टर्स मंत्रियों की कॉन्फ्रेंस को आयोजित करेगा? तो गुजरात राज्य करेगा और यह नर्मदा के जो बैंक या नर्मदा के किनारे पर केवड़िया प्लेस पर होगी। वेयर विल बी द 9th RCEP इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग हेल्ड।
कहाँ पर आरसीईपी रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप की इंटरनेशनल मिनिस्ट्रियल मीटिंग आयोजित होगी, तो बैंकॉक थाईलैंड में, थाईलैंड के बैंकॉक में। नेक्स्ट, विच मोबाइल एप्लीकेशन एंड वेबसाइट हैव बीन लॉन्च्ड बाय रेलवे पुलिस, रेलवे पुलिस ने कौन सी मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट लॉन्च की है? तो मोबाइल एप्लीकेशन जो रेलवे पुलिस ने लॉन्च किया है वह सहयात्री, और वेबसाइट जो है वह railways.delhipolice.gov.in। और लास्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी द 38th इंडिया कारपेट एक्सपो हेल्ड? इंडिया कारपेट एक्सपो का 38वां इवेंट कहां पर आयोजित होगा? तो वह उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, और इसे कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स जीके, और अब बात करते हैं क्वेश्चंस ऑफ द डे की, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डालना है। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे 2019? विश्व मेंटल स्वास्थ्य दिवस 2019 की थीम क्या थी? विश्व मेंटल स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को मनाया जाता है, तो थीम क्या थी उसकी? तो ऑप्शन ए है एड्स प्रिवेंशन, ऑप्शन बी सुसाइड प्रिवेंशन, ऑप्शन सी कैंसर प्रिवेंशन, और ऑप्शन डी पोलियो प्रिवेंशन। और इसका आपको जो भी राइट आंसर है वो कमेंट बॉक्स में डालें। मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का मुख्य समाचार जो कि आपका करंट अफेयर्स है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ इस वीडियो का पीडीएफ भी आप हम डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए, जहाँ पर भी ये पीडीएफ आपका अपलोड होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।